आज की इस वीडियो में मेरे पास एक मल्टीमीटर, जो कि मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ। सब कुछ डिटेल मतलब सब कुछ डिटेल A to Z, और इसको मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा आपका जो हेडलाइट का बल्ब होता है, इंडिकेटर्स का बल्ब होता है, वो कितना वाट कंज्यूम करता है। ताकि अगर आप LED से मैं कंपेयर करूँगा कि LED कितना वाटेज कंज्यूम करता है ओरिजिनल मीटर में, तो पहले समझते हैं ये जो पॉइंट आता है सब कुछ आता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपका डिस्प्ले होगा, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपका वोल्टेज का, यहाँ आपका कॉमन, ये आपका एम्पियर के लिए मिली एम्पियर, यहाँ पे आपका 20 एम्पियर, जो ज़्यादा ज़्यादा एम्पियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, नॉर्मली इसको खरीदते लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए इसमें दो तरह का वोल्टेज आता है। एक आता है DC वोल्टेज, AC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज साइन आता है ये वाला, जो स्ट्रेट लाइन आता है ये आपका DC वोल्टेज, और ये आपका साइन मतलब वेव टाइप का आता है, ये आपका AC वोल्टेज हो गया। अब सेकेंड बात करें तो AC एम्पियर और आपका DC एम्पियर, यहाँ पर आपका DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, AC एम्पियर, DC एम्पियर, और यहाँ पर आपका आ गया रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस है वो मैं आपको लाइव डेमो में अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपका आ गया ये वाला जो HFE आपका होता है, बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो पॉइंट देख रहा है, आशा करता हूँ ये आपने कभी नहीं देखा होगा, आपका मल्टीमीटर में होगा बट आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इसका भी मैं यूज़ बताऊँगा। और यहाँ आपका आ गया कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपका वोल्टेज मेजर करना है बैटरी का, DC वोल्टेज, बेसिकली बैटरी DC होता है डायरेक्ट कनेक्शन, तो क्या होता है हमको स्टेट, मुझे पता है जो बाइक का बैटरी 12 वोल्ट होता है, और सिंपली मुझे 12 में 20 वोल्टेज में सेट कर देना है। तो मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, और इसमें मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज अभी है, तो आपको ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा। आपका देख सकते हैं 10.6, बेसिकली बैटरी थोड़ा सा वीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसमें कुछ नहीं आ रहा 10.6 वोल्ट। अब मैं इसको अगर प्रोब्स को ऑल्टर करता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव देता हूँ, देख सकते हैं माइनस में आ रहा है। तो अगर कहीं पर गुम हो जाओ कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, सिंपल आपको चेक करना है, देख सकते हैं ये वाला नेगेटिव है ब्लैक का, ये वाला पॉजिटिव है, तो सिंपली बैटरी का देख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो मतलब मुझे उल्टा लगाने के लिए बोल रहा है। मैं उल्टा लगाऊंगा तो मुझे तो 10.6 आ रहा है, तो मतलब ये कनेक्शन ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ AC कैसे वोल्टेज चेक करना है। बेसिकली मेरे पास AC वोल्टेज तो है, मतलब सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है, बट कौन टेस्ट करता है भाई, डर लग रहा है, आप समझा करो। तो सिंपली आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपली आपको 200 वोल्ट के ऊपर ही सेट करना है, 750 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं जो AC का वोल्टेज, ये वाला सिंबल AC का होता है। अब आपको जो आपका बोर्ड का कनेक्शन होता है तो उसमें सिंपली यहाँ पे प्लग इन करना है। बेसिकली AC में पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ऑल्टरनेट भी कारण होता है, तो सिंपली कहीं पे भी दो होल में आप घुसाओ, यहाँ पे आपका वोल्टेज शो करेगा, ठीक है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं इसीलिए आपको नहीं दिखा सकता अभी। अब बात करते हैं इसका एम्पियर कैसे मेजर करना है। बेसिकली आपका जो हेडलाइट का बल्ब होता है नॉर्मली कहता है 36 वाट 35 वाट का आता है, तो कैलकुलेट कैसे करना है आपको कैसे पता चला कि कितने एम्पियर आपका वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है ये वाला जो प्रॉब होता है वोल्टेज का, सिंपली आपको मिली एम्पियर पे सेट करना है, कॉमन का कॉमन रहने देता है, मिली एम्पियर पे सेट करना है, ठीक है। मिली एम्पियर पे हमने सेट कर दिया। अब मेरे पास एक जो आपका मीटर का बल्ब होता है इसमें लिखा है 2 वाट, बेसिकली 2 वाट का नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे मैं आपको जला के दिखाता हूँ, और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं अभी ये पे जल रहा है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या नहीं होता है, ये वाला जो बल्ब होता है ऐसा टाइप का जो बल्ब होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ये बेसिकली LED नहीं होता है। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे मान लीजिए बैटरी का ये वाला पॉजिटिव है और ये पे तो नेगेटिव है, सॉरी ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो मैं किस में दे रहा हूँ, तो जल रहा है, तो मैं इसको सिंपली ऑल्टर कर रहा हूँ, फिर भी ये जलेगा। सो सिंपली देख सकते हैं जल रहा है, तो क्या हुआ मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। तो सिंपली ये कितना वोल्टेज आपका कंज्यूम कर रहा है बैटरी का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको नेगेटिव में नेगेटिव दे देना है डायरेक्ट, तो इसका तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, सिंपली मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया। अब इसको मैं अगर ये पे टच करता हूँ तो ये जलता है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसके थ्रू मुझे पास करना पड़ेगा, तब मुझे इसके अंदर रीडिंग आएगा। तो सिंपली क्या करना है, इसमें एक प्रॉब आपका इसमें आ गया, देखो प्लस के जो मेन जो पॉजिटिव का वायर है उसको आपको मिली एम्पियर सेट करना है, ठीक है, और मीटर के रीडिंग को सेट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर के रीडिंग को सेट करने के, बेसिकली ये DC एम्पियर बेस्ट DC होता है, तो सिंपल आपको 200 मिली पे सेट करना है, बेसिकली एम मतलब मिली एम्पियर, ठीक है। तो और एक कनेक्शन यहाँ पर सेट करना है, और दूसरा जो है बैटरी पर देना है, तो ये जलेगा, तो देख सकते हैं जल रहा है। अब मुझे पता करना पड़ा कितना एम्पियर का रीडिंग आ रहा है, तो देख सकते हैं अभी इसमें रीडिंग आ ही नहीं रहा है, मतलब आपका क्या हुआ,
200 मिली एम्पेयर के ऊपर इसमें पावर जो कंज्यूम कर रहा है, तो कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है सिंपली उसके जो बाद में रेटिंग है 20 वाला, इसका जो बाद में रेटिंग है ना 20 वाला, सिंपली उसमें सेट कर देना है। उसमें मैंने सेट कर दिया है। अब ये जो प्रोब है इसमें मिली एम्पेयर लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्पेयर पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब मैं टेस्ट करता हूँ कितना एम्पेयर ये ले रहा है। तो सिंपली देख सकते हैं वाटेज जल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 0.0 लाइक ओके 0.02। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। बेसिकली एम्पियर इक्वल टू वोल्टेज बाई वोल्टेज, ठीक है। तो मुझे ये कितना आया, 0.0 मतलब आपका 0.2 एम्पियर, मतलब इसमें दो रीडिंग आ रहा है ना, तो इसमें आपको एक दो मतलब 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.2। तो मुझे एम्पियर मिला है 0.2, और मुझे पता है ये वाला 12 वोल्ट पे काम करता है। सिंपली जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली आपका रिजल्ट देख सकते हैं क्या आता है। सो सिंपली आपका सॉरी यहाँ पे आएगा दो, तो सिंपली आपका आएगा 2.4। हाँ तो सिंपली आपका 2.4 एम्पियर, सो 4 वाट। सो ये 2.5 वाट का एलईडी है, ए सॉरी आपका ये वाला जो बल्ब है, बट इसमें लिखा है आपका 2 वाट, इसमें मिट गया था कॉमेट कंपनी के, इसमें 2 वाट लिखा था, 12 वोल्ट 2 वाट लिखा था, बट एक्चुअली हमने जो कैलकुलेट किया है बेसिकली 2.4 वाट ये आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपका जो हेडलाइट का बल्ब होता है वो कितने वाटेज का होता है। इसके लिए 12 वोल्ट पे काम करता है 36 वाट। सो सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना एम्पियर आना चाहिए। तो वाटेज कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी एम्पियर हम कैलकुलेट करेंगे कितना एम्पियर होगा। सिंपली एम्पियर को कैलकुलेट करने के लिए इसका रूल है वाटेज बाई वोल्ट। सो इतना आज का 36 वाट, ये बाइक जो बल्ब आता है 36 वाट आता है 36, और उसको मैं 12 वोल्ट में काम करता है। सो 12 3 3 में 36, तो बेसिकली 3 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट ऐसे ही कर सकते हैं, और इसको चेक करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली वही रूल है, इसका आपको डायरेक्ट एक वायर कनेक्शन दे देना है, और दूसरा जो वायर पॉजिटिव पे कनेक्ट होना था वो इसके थ्रू जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो ये वाला पॉइंट है सिंपली हम यहाँ पे टच करेंगे, और ये आपका लाइट जो जल जाएगा। तो देख सकते हैं 31 मतलब इसको मानते हैं 3.1 एम्पियर, ठीक है। सो लाइक 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर यहाँ पे प्रूव हो गया। अब बात करते हैं ये आपका जो एलईडी होता है वो कितने वोल्टेज का होता है। अब इसको जो लग रहा है ये वाला पॉजिटिव है, और देख सकते हैं एलईडी जल रहा है। अब एलईडी क्या होता है, बेसिकली ये वाला वोल्टेज है तो 10 वाट का आपको जो एलईडी इंडिकेटर वाला होता है। सो बट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा रहता है कि ये कितने वोल्टेज का था, हम इसको चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, सिंपली इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 20 एम्पियर पे सेट करते हैं, मतलब पहले मिली पे सेट करते हैं। ओके मिली पे सेट कर दिया हमने, और इस पर हमको सेट किया है 200 मिली एम्पियर पे, और सिंपली टेस्ट करते हैं कितने एम्पियर, देख सकते हैं जल रहा है। सो देख सकते हैं 46 मिली एम्पियर शो कर रहा है, 46 मिली एम्पियर, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना वाटेज निकलता है। तो आपको पता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, तो हमारा जो रीडिंग आया 46 मिली एम्पियर आया, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे आपका आ गया 0.046 एम्पियर। तो सिंपली रूल्स क्या है, वाटेज इन इक्वल टू एम्पेयर इंटू वोल्ट, एम्पेयर हमने 0.046 लगा, और 12 वोल्ट आपको बताया 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली वाटेज देख सकते कितना कम आया है, 0.5 मतलब आधा वाट, इसका आधा वाट, ठीक है, 0.5 वाट का हम जो करंट ये कंज्यूम करता है आपके इलेक्ट्रिक जो आपका जो एलईडी होता है, बट उनकी जगह ये वाला जो नॉर्मल बल्ब होता है, ठीक है, वो 10 वाट कंज्यूम करता है। तो आपको डेफिनेटली इस एलईडी को स्विच करना चाहिए, बट इसका जो कलर ब्लू है आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसका ऑरेंज टाइप का कलर इसमें ले लीजिए, आपको बिंदास काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूटी कैसे काम करता है। नॉर्मल जो वोल्ट में आपको लगा दीजिए, और कॉमन में ये वाला लगा दीजिए, और सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे सेट करना है, ये वाला कंटिन्यूटी पे सेट करना है। तो देख सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है। अब इसमें चेक करने के लिए देख सकते हैं, मान लीजिए इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी है कि नहीं, मुझे चेक करने के लिए यहाँ पे एक बार प्रूफ रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस जो प्रोब होता है इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहता, ये आपका मेन इलेक्ट्रोड हो गया सेंट्रल इलेक्ट्रोड, तो इसके और इस मेन जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रोड है मेन, इसके बीच में कंटिन्यूटी रहता है, इसके नहीं रहता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टच किया और यहाँ पे टच कर दे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका रेड टाइप का जल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं
तो ऐसे कंटिन्यूटी इसमें काम आप किसी में कनेक्टिविटी है कि नहीं है उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चेज कर सकते हैं। रजिस्टर चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। और मैं इसके बीच में रजिस्टेंस होता है इसके बीच में, तो मैं आपको रजिस्टेंस कितना होता है चेक करके मैं दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे आपका रजिस्टेंस लाइक 2K में सेट कर दीजिए, 20K में सेट कर दीजिए। यहाँ पे आपका रजिस्टेंस 20K ओम, और सिंपली एक प्रोब कोई भी हो इसमें लगाइए, और इसके बीच में कंटिन्यूटी होता है तो इसके मिडिल में लगाइए, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा। तो देख सकते हैं 13 शो कर रहा है, तो मतलब हमने सेट किया है 20K में और रीडिंग आया 13, मतलब 13K, 13 आपका 13K इसका रजिस्टेंस इसके अंदर है जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। सो सभी को बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव में फ्लो करता है। तो सिंपली क्या होता है, नेगेटिव से होके पॉजिटिव से आउटपुट होकर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसे कहते हैं। सो हमको डायोड को चेक करने के लिए सिंपली हमने कॉन्टिन्यूटी पर रखा है, सिंपली यहाँ पर चेक कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे बीप भी आ रहा है। अब सिंपली आपको चेक करना है इसके उसको, और मान लीजिए ये वाला मैं छोटा सा डॉट पकड़ लेता हूँ, मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव से जाके मतलब इससे जाके पॉजिटिव से आउटपुट के निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो देख सकते हैं कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो मतलब डायोड ख़राब नहीं है। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा घुमा के, अगर कंटिन्यूटी आ रहा है कंटिन्यूटी नहीं आएगा इसमें रीडिंग देगा, क्योंकि ये 4007 का आपका रजिस्टर है तो का डायोड है, और देख सकते हैं रीडिंग दिखा रहा है, इसमें आपको रीडिंग दिखा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा जहाँ पे ये वाला सफ़ेद हिस्सा होता है ना, मतलब वहाँ से करंट स्टार्टिंग होते हैं, उधर से आपका ब्लैक तक आपका करंट जाएगा ऐसे, बट ब्लैक से आपको वाइट तब आने नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको फिर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव में करंट जाता है, तो सिंपली यहाँ पे आपका रीडिंग आना चाहिए, देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है, बट तो सिंपली डायोड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। बट अगर मैं आपको इसमें घुमा के दिखाता हूँ तो यह वाइट से ब्लैक तक तो करंट आ रहा है, बट इससे यह जाने नहीं दे रहा, तो इसलिए आपका रीडिंग नहीं आएगा। देखिए देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका डायोड भी चेक होगा, डायोड भी सही है। ये आपका जो साइन है ये बेसिकली हैक है, बेसिकली वो बहुत सारे चीज़ों का काम करता है। बेसिकली मैं आपको एक जगह, यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसको बोलते हैं आपका NPN PNP, दो ट्रांजिस्टर आता है, तो इसमें आपका साइन में लिखा हुआ है NPN PNP। बेसिकली ये वाला जो है NPN ट्रांजिस्टर है, वो गैस आपको कैसे पता चलेगा, इसका जो मॉडल नंबर है BD139, इसका जो मॉडल नंबर है इसका गूगल कर लीजिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका कुछ फंक्शन नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ये वाला, ये यहाँ पे चलो चिन्ह है ये वाला, और ये वाला जो चिन्ह है, और सिंपली आपको यहाँ पे रीडिंग आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये NPN का है, तो हम NPN के ऊपर ऐसे रखेंगे, कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपका रीडिंग दिखा रहा है, इसका 207 रीडिंग आ रहा है, तो मतलब इसका बेस का फ्रीक्वेंसी मतलब रीडिंग ये है, मतलब ये ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा चीज़ें जो है टेस्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं, कितना इसका वाटेज है, कितना इसमें रेजिस्टेंस है, आपका कोई भी बल्ब या फिर हॉर्न वगैरह जो भी है, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसका आपका वाटेज निकालना है, कितना वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है। बेसिकली हेडलाइट का मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे आपको कंज्यूम करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कमेंट हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिक टॉपिक के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख के आनंद उठा सके। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट का रिप्लाई मैं सरकवा देता हूँ। और अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा, और मेरा एक वेबसाइट है www.theindianworkshop.com, वहाँ से एक बार आप फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। She loves me, yeah, she needs